अपने करियर में करीना जिद नहीं किया, आमिर खान के लिए वो कर डाला। एक्ट्रेस करीना कपूर खान बॉलीवुड में पिछले 20 साल से एक से बढ़कर एक फिल्में देती नजर आ रही हैं। साल 2000 में रिफ्यूजी से बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद आज करीना अपने करियर की बुलंदियों पर है। इतने सालों में करीना ने एक भी फिल्म के लिए कभी ऑडिशन नहीं दिया, उन्हें खुद ब खुद फिल्मों के ऑफर मिलते गए। लेकिन हाल ही में करीना ने बताया कि लाल सिंह चड्ढा उनके करियर की पहली फिल्म है जिसके लिए उन्हें ऑडिशन देना पड़ा था। एक इंटरव्यू में करीना ने बताया कि लाल सिंह चड्ढा उनके करियर की पहली फिल्म है जिसके लिए उन्हें ऑडिशन देना पड़ा। इसके अलावा करीना को स्क्रीनिंग प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा। करीना ने कहा, लाल सिंह चड्ढा मेरे करियर की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसके लिए मैंने ऑडिशन दिया है। मैं ऐसा किसी भी सिनेमा या किसी इंसान के लिए कभी नहीं करती सिवाय आमिर के। इस फिल्म की रीमेक है लाल सिंह चड्ढा। बता दें, लाल सिंह चड्ढा 1994 में आई हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम की रीमेक है। इस फिल्म में टॉम हैक्स के निभाए किरदार को आमिर खान प्ले कर रहे हैं। उनके ऑपोजिट करीना कास्ट की गई है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। यह फिल्म अगले साल क्रिसमस पर आएगी। वहीं करीना की अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज़ है। यह फिल्म 27 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में करीना कपूर, अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं। फिल्म IVF तकनीक से होने वाली प्रेगनेंसी पर आधारित है। इसके अलावा करीना अगले साल इरफान खान के साथ अंग्रेजी मीडियम में भी नजर आने